जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान ने बढ़ाई उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन। क्या अब जेडीयू से होगी विदाई? बिहार में जनता दल यूनाइटेड और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि वे पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, फिलहाल ये पद खाली है। ललन सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का तो कोई चुनाव नहीं हुआ है। संसदीय बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ MLC हैं। ललन सिंह के इस बयान ने उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार पार्टी और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के आसार पहले से ही लग रहे थे। अब ललन सिंह के इस दावे के बाद इस पर मुहर लगती दिख रही है। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि वे पार्टी में रहकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और वे ऐसा किसके इशारे पर कर रहे हैं ये सब जानते हैं। आप जानते हैं, अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, MLA बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो MP बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं, हम हर हालत में रहेंगे, ऐसी हालत में आ गए, अब आजकल क्या बोल रहे हैं। आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और ऐसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना, हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज, मेरा काम था सवा घंटा डेढ़ घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज को, तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज कहीं कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीजों का भाई, आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बात ही नहीं कर रहे, समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक भाई, ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है, तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी, अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, ये बयानबाजी दे दिया भाजपा की तरफ से, तो नहीं करवाई जा रही कोई मतलब नहीं। अभी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है, जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी में ऐसा संविधान बनाया गया है जिसमें संसदीय बोर्ड अध्यक्ष केवल नाम का पद है, इस पद पर बोर्ड अध्यक्ष एक सदस्य तक का चुनाव नहीं कर सकता है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बयानों के बाद कुशवाहा भी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने 19 और 20 फरवरी को नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से नाराज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।